नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी मेंस 2019 का टाइम टेबल आ चुका है, प्लस जो है इसके एडमिट कार्ड भी जो है स्टार्ट हो चुके हैं और प्लस इसका डीएफ फॉर्म भी जो है चालू होने वाला है। इसमें देखिए इस बार का काफ़ी बड़ा गैप रखा गया है। 20 तारीख को ऐसे है, फिर 21 तारीख को जीएस 1 और 2 है, फिर 22 तारीख को जीएस 3 और 4 है, और फिर आपका जो कंपलसरी वाला पेपर होता है लैंग्वेज का और प्लस इंग्लिश का, वो है 28 तारीख को, और 29 तारीख को ऑप्शनल पेपर है। मतलब ये यहाँ पे टोटल मिला के 22 से यहाँ पे 6 दिन का गैप रखा गया, बहुत ही बड़ा गैप है ये। तो ये एक चीज़ है, पहली बात तो ये काफ़ी दिनों बाद ऐसा यूपीएससी ने टाइम टेबल दिया है कि इतना बड़ा गैप रखा गया हो। उसके बाद देखिए यूपीएससी मेंस के लिए एक हमारा नया इनिशिएटिव चालू होने वाला है, उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि ये जो 2013 से लेके 2018 तक के जितने भी जीएस के पेपर हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 के कंप्लीट पेपर के एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस हम जो है पूरी डिटेल्ड एनालिसिस लाने वाले हैं आपके लिए, और ये जो कोर्स है वो अभी 3-4 दिन के अंदर चालू होने वाला है। ठीक है, ये कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा 15 से 20 अगस्त के पहले। ठीक है, तो आप लोग ये वाला सीरीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट होगी यूपीएससी जो लोग मेंस देने वाले हैं, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है स्टैटिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो वही सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन टॉपिक वही क्वेश्चन आ जाता है, बाकी तो करंट अफेयर का जो है मेनली यूपीएससी में रोल रहता है मेंस के लिए, चाहे वो जीएस 1 हो, चाहे जीएस 2 हो, चाहे जीएस 3 हो, चाहे जीएस 4 हो, इन सब में करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। इसके लिए कभी यूपीपीसीएस मेंस के लिए जो एक करंट अफेयर की सीरीज़ जो है वो टोटल टॉपिक वाइज जो चलाने जा रहा हूँ मैं, वो अभी आपको यूपीपीसीएस का कैलेंडर जिस दिन से आएगा उस दिन के आसपास से वो चालू हो जाएगी, दूसरा ये इनिशिएटिव है। और तीसरा एक चीज़ है कि जो जीएस 1, 2 और 3, 4 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल पे पूरी 1, 2, 3, 4 में टॉपिक वाइज जो है चीज़ें दी गई हैं, पूरे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो दिए गए हैं। ठीक है, 2-2, 3-3 घंटे के दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट आप वो देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक जो यूपीएससी मेंस के हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जीएस 1, 2, 3, 4 के कंप्लीट टॉपिक वाइज जो है एनालिसिस दिया गया है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। मतलब जो बेसिक जीके जो स्टैटिक जनरल नॉलेज जो आपको नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करी गई हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। और एक चीज़ और है, ये हमारा टेलीग्राम फ्री ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो, ये हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं। एक चीज़ है यूपीएससी मेंस की जो लोग तैयारी करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आंसर राइटिंग। जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपने निकाला है मतलब आपकी जीएस तो ऑलमोस्ट स्टैटिक वाला पोर्शन कवर है, लेकिन अब आंसर राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, उसमें 240 क्वेश्चन टोटल करवाए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जीएस 1, 2, 3, 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 240 मॉडल क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्लस उसका मॉडल आंसर दिया जाएगा, हिंदी मीडियम में भी दिया जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी दिया जाएगा, और प्लस जब आप उसका आंसर लिखेंगे तो उसका जो है कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा वहीं पे आपको विद इन 24 आवर्स। ठीक है, कि क्या कमियां हैं, क्या इंट्रोडक्शन में कमी है, क्या जो मेन बॉडी में कमी है, क्या कंक्लूजन में कमी है, किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, सारा जो है पॉइंट वाइज फीडबैक दिया जाएगा, काफ़ी जो है डिटेल्ड फीडबैक दिया जाता है आप इसमें। और प्लस 5 मॉडल ऐसे भी आपको मिलेंगे, ऐसे विद मॉडल आंसर मतलब, और प्लस आप उसको 5 ऐसे को चेक भी करवा सकते हैं। तो इंडिविजुअल फीडबैक और प्लस 240 क्वेश्चन जीएस 1, 2, 3, 4 के, 60-60-60 टोटल फीस इसकी 6000 है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में जितने भी जैसे लोग जो है ये करवाते हैं वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे, वो भी 18 दिन का गैप रहता है वहाँ पे, तो उतना जो है आपको कंप्लीट फीडबैक नहीं दिया जाता है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कैसे फीडबैक दिया जा रहा है, आप चाहें तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप के जो एडुकेटर हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू खुद दिए हुए हैं, तो काफ़ी बार उन्होंने मेंस क्लियर किया हुआ है, तो सारी जो है उनको इन्फॉर्मेशन भी है, प्लस उन्होंने पढ़ाया भी हुआ है दिल्ली में ही। देखिए ये है अभी 26वां दिन चल रहा है, ये ग्रुप चालू हुआ है 20 जून से चालू हुआ है और ये 30 अगस्त तक रहेगा, टोटल 80 दिन का ग्रुप है ये लगभग। ठीक है, लेकिन आप कभी भी ज्वाइन करेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चन 240 आपके चेक कर दिए जाएंगे। इसमें देखिए एक पहले क्वेश्चन दिया जाता है सुबह 10 बजे, फिर उसका आंसर दिया जाता है, ये देख सकते हैं आप आंसर उसका, फिर क्वेश्चन, प्लस जो है उसमें कंप्लीट पॉइंट वाइज फीडबैक। ठीक है, सब कुछ कि क्या चीज़ें आपको करना है, क्या चीज़ें जो है मिस कर दी हैं, ये जो अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है, और इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में फीडबैक दिया जाएगा, और प्लस ये कंप्लीट जो है ये यहाँ पे लोग जो है अपना आप लोग को पीडीएफ में भेजना होता है। यहाँ ये देखिए जो लाइव है मैं दिखा रहा हूँ, सब कुछ कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है, कहाँ क्या चीज़ें मिसिंग है सब कुछ। ठीक है, आप चाहें तो देखिए क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन की पीडीएफ है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन की पीडीएफ है ये आप देख सकते हैं तुरंत,
इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, जो आपका मर्जी वो कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, क्या सॉफ्ट पावर होता है, भारत अपनी सॉफ्ट पावर को कैसे जो है पोटेंशियल को यूज़ कर सकता है, ये सब चीज़ें। और प्लस उसको आप ये देखिए, तीन क्वेश्चन अभी दिए जा रहे हैं डेली। ये क्वेश्चन वाली पीडीएफ हो गई, फिर अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आंसर वाली पीडीएफ मिलती है डेली की डेली, ठीक है। रात में 10 बजे आंसर की पीडीएफ मिलती है, तब तक आपको लिखना होता है और सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे उसके बाद फिर डिस्कस भी करी जाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो। और प्लस अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे भी करवा रहा हूँ, तो अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर पाएंगे तो कम से कम वो सीरीज़ यूट्यूब पर ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, ये आंसर की पीडीएफ है, ठीक है, इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ऐसी आपको डेली मिलेगी, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी इनिशिएटिव हैं, कई सारे फ्री इनिशिएटिव हैं, कई सारे जो है मेंस के लिए हमारे पापा वीडियो भी है, जैसे एनवायरनमेंट सॉरी आर्ट एंड कल्चर के लिए जो फाइन आर्ट की बुक आती है आपकी क्लास 11 की, वो पूरा एक कंप्लीट वीडियो में हमने कवर करवाई है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जो जी सी लियोंग की बुक है, कंप्लीट एक पापा वीडियो में हमने वो कवर करवाई, वो सब देख लीजिए, वो सब यहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।